एक माता पिता या एक अभिभावक के तौर पे आप अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने घर में, तो कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर होंगी। आज उन्हीं परेशानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और सिर्फ परेशानियां नहीं, उनका उपाय क्या है, उन परेशानियों का निदान क्या है, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंत में एक खास एक स्पेशल टिप भी होगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा बच्चों को पढ़ाने और लिखाने में। अब बात यह है कि अलग अलग तरह के बच्चे जो हैं, वो अलग अलग तरह की परेशानियाँ जो है पैदा करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें कि आपके बच्चे के साथ किस तरह का परेशानी है, और वो जो है किस प्रकार से सफलतापूर्वक निदान किया जा सकता है। इस पूरे वीडियो में 8 अलग अलग समस्या और 8 टिप्स पर आज विशेष बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली समस्या और उसके निदान से, कि बच्चे जब लिखते हैं तो वो लाइन पर नहीं लिखते, कभी लाइन से ऊपर और कभी लाइन से नीचे लिख देते हैं, जिससे हैंडराइटिंग उनका खराब हो जाता है। अगर ये समस्या है तो इसका निदान कैसे करना है वो देखें। यहाँ मान लीजिए ए लिखने के लिए दिए हैं, तो यहाँ ऊपर वाले लाइन में एक डॉट दे दें और नीचे में जो है डॉट दे दें, और बच्चे को बोलें कि इस डॉट से इस डॉट तक ही इसको जाना है, उससे पहले नहीं छोड़ना है और उसके बाद भी नहीं जाना है। तो इस प्रकार से जो है बच्चे को समझाया जा सकता है कि वो लाइन पर किस तरह से लिखे, और लाइन पर लिखना सीख जाएगा तो हैंडराइटिंग खुद ब खुद सुधर जाएगा। चलिए अब दूसरी समस्या पर चलते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो लिखते समय अक्षर को इतना टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, लगता है जैसे ऊँट की पूँछ बना रहे हैं, वो अक्षर नहीं लिख रहे, ऊटपटांग कुछ भी कर देते हैं। उसका कारण क्या है कि जहाँ पर उसे सीधा लाइन बनाना होता है उसका लाइन सीधा बनता नहीं, जहाँ ठीक से उसे गोल घुमाना होता है वहाँ उसका ठीक से गोल घूमता नहीं है। तब उसका उपाय आप ऐसे कर सकते हैं, पहले जो है उसे प्रैक्टिस कराना पड़ेगा कि सीधा लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, गोल बनाते समय बढ़िया गोल कैसे बनाते हैं। इसके लिए जो है एक विस्तार से एक पूरा वीडियो बना हुआ है मेरा, जिसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये जो है ये एक सिंपल सा प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक का ज़रूरत पड़ता है। इस बेसिक के आधार पे हम कोई भी अक्षर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी हो, आराम से लिख सकते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क लिखना है, तो सबसे पहले जो है ये वाला डंडी लिए, ये हो गया, उसके बाद ये वाला डंडी लिए, ये हो गया, उसके बाद ये वाला लिए, ये हो गया, उसके बाद जो है इसका थोड़ा सा घुमा हुआ रूप है आधा गोला का, वो ये हो गया। तो ये जो बेसिक है इस पर एक विस्तार वीडियो मेरा बना हुआ है, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें और बच्चे को उस हिसाब से प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद जो है ये जब इसका सही से प्रैक्टिस बना, जब बच्चा ठीक से कर लेगा तो हर अक्षर साफ और सुंदर बनेगा, हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। चलिए अब तीसरा समस्या और उसका निदान। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा लिखेंगे और थोड़ी देर लिखने के बाद ही वो अलग अलग समस्या बताना शुरू कर देते हैं। जैसे कभी वो बोलेंगे कि लिखते लिखते हाथ में दर्द हो रहा है, कभी वो बोलेंगे गर्दन में दर्द हो रहा है, कभी वो बोलेंगे पीठ में दर्द हो रहा है। तो उस समय जो है आपको क्या करना चाहिए, उस समय बच्चे को ये ना बोले कि वो झूठ बोल रहा है। जब तक बच्चे को ज़्यादा देर बैठने और लिखने का प्रैक्टिस ना हो जाए, तब तक उसे जो है थोड़ा सा प्यार से समझाएं। आप उसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा और बाकी रह गया है, उसे लिख लो, और उसके बस लिखने के बाद ही तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, उसके बाद तुम आराम से खेलने चले जाना, और जल्दी तुम लिखेगा तो जल्दी छुट्टी होगा। तो इस प्रकार से हल्का सा लालच दें उसे, और उसे बहला फुसला के लिखने के लिए प्रेरित करें। चलिए अब अगली समस्या पर चलते हैं।
कभी कभी कुछ बच्चे जो है वो गलत तरीके से किसी अक्षर को किसी शब्द को लिखते हैं, और यदि आप उसे समझाएं तो सीधा बोल देता है आपको नहीं आता, आप नहीं जानते हैं, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही लिखा जाता है, हम ठीक बना रहे हैं। वैसे समय बच्चे को जो है वही चीज़ लिखा हुआ जिस बुक में है, जिस किताब में है, वो ले जाकर उसके सामने रख दें, वो दिखाएं और उसे समझाएं कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही लिखते हैं, किताब में भी ऐसे ही लिखा है और तुमको ऐसे ही लिखना होगा, तभी वो मानेगा। चलिए अब अगली समस्या पर आते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे जो है वो काम करते करते कॉपी में लिखते लिखते वो उसमें जो है उठपटांग सा कुछ ड्राइंग बनाना शुरू कर देंगे, ऊपर नीचे जो है काटना शुरू कर देंगे, और जो लिखना है वो नहीं लिखेंगे। अब ये समस्या अगर है आपके साथ तो उस समय इसे कैसे समझाना है इस पर ध्यान दीजिए। बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा, वो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो गड़बड़ है। तो इसका सीधा सा उपाय ये है कि उसको जो है आप एक निश्चित टाइम पर रोज प्रतिदिन एक निश्चित टाइम पर पढ़ने के लिए बैठाएं, और संभव हो तो एक निश्चित जगह पर बैठाएं। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ बैठा दिए, कल वहाँ बैठा दिए, परसों बेड पर बैठा दिए, उसके अगले दिन किचन के पास बैठा दिए, अपनी सुविधा नहीं देखना है। बच्चे को निश्चित जगह पर बैठाइए, निश्चित टाइम एक ही टाइम पर बैठाइए, और उसके साथ थोड़ा समय आपको भी बैठना पड़ेगा। वो लिख रहा है उसके साथ आप बैठिए, बस इतना ही से जो है उसका मन जो है धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा और वो काम करेगा। चलिए अब अगली समस्या पे बात करते हैं और उसका क्या निदान हो सकता है उस पे चर्चा करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, पढ़ने के लिए बोलिए तो इधर से उधर भाग जाएंगे, पकड़ना पड़ता है। और ये समस्या जो है ज़्यादातर आजकल देखने को आ रहा है, वो मोबाइल ले लेंगे या टीवी के पास बैठ जाएंगे। अब ऐसा समस्या अगर है आपके सामने तो इसका क्या उपाय हो सकता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, टीवी बंद कर दें। दूसरी बात, प्यार से उसके हाथ से मोबाइल ले लें। उसके बाद उसे समझाएं कि ये जो काम है पढ़ने लिखने का इसको तुम अभी पढ़ लो, ये जो लिखना है इसको लिख लो, उसके बाद तुम चाहो तो तुमको वापस जो है टीवी देखने देंगे, तुमको जो है ये फिर खेलने देंगे, लेकिन पहले बैठ के लिखना पड़ेगा, ये करना ज़रूरी है, तभी बच्चे को आप कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए अब अगली समस्या पर आते हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनको आप किसी भी प्रकार से प्यार से दुलार से बहला फुसला के सब कोशिश करके हार गए, कुछ लालच भी दिया कि चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, टीवी में कार्टून देखने देंगे, मोबाइल में गेम खेलने देंगे, उसके बाद भी जो है वो नहीं मान रहा, तो समझ लीजिए वो पक्का ढीठ है। अब ऐसे ढीठ बच्चों का क्या करना है? अब ऐसे ढीठ बच्चों का जो है एक ही उपाय है, इन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के बैठाएं, थोड़ा सा नकली गुस्सा करें और इस प्रकार से आप उसके सामने पेश आए जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और अभी जो है आप उसे बहुत ज़्यादा पिटाई कर देंगे। पिटाई करना नहीं है, पिटाई अगर आप करना शुरू कर दिए तो वो ढीठ हो जाएगा, फिर वो समझ जाएगा कि इतना मार खाना है, इतना मार खा लेते हैं, उसके बाद क्या है, आराम से खेलेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, तो ढीठ हो जाएगा। बार बार अगर उसको बोलेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो लिखो, तो ढीठ हो जाएगा। ढीठ नहीं बनाए, ढीठ नहीं बनाना है, आप उसे
थोड़ा सा नकली गुस्सा करके दिखाए और उसे ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बैठाए। लगातार कुछ दिन जब आप करेंगे तो धीरे धीरे वो उसका आदत बन जाएगा, और एक बार अगर आदत बन गया टाइम पर बैठने और पढ़ने का तो फिर परेशान नहीं करेगा। और ऐसे भी पुरानी कहावत है, लात के भूत बात से नहीं मानते। हाँ, ज़्यादा डांटना नहीं है, मारपीट करने का कोशिश नहीं करना है, नहीं तो वो ढीठ बनेगा, ये निश्चित है। एक विशेष बात, छोटा सा बात, ये YouTube जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये YouTube वीडियो का समुद्र जैसा है, अथाह सागर। और इसमें जो है बार बार मेरा वीडियो आपको खोजना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब लिखा है लाल अक्षरों से, उसे दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो लाइक करने से मेरा भी थोड़ा मन लगता है, हौसला बढ़ता है। और चलिए इस वीडियो के अंत में बात करते हैं आज के स्पेशल टिप्स पर। जिन बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत बेकार है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लिखने पढ़ने में वो ध्यान नहीं देते, उन्हें थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करवाएं आप, प्रतिदिन रोज करवाएं, ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट तक एक जगह चुपचाप उसे बैठा दें। चुपचाप बैठने के बाद दोनों कानों में उंगली डाल के आँख बंद करके उसे बोले कि 1 से लेके 50 तक वो काउंट करे। इस तरह कान में उंगली डाल के आँख बंद करके अगर 1 से 50 वो आराम से काउंट करता है और ये कुछ दिन लगातार करता है तो धीरे धीरे जो है पढ़ाई में उसका मन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका मन जो भटका हुआ है वो शांत हो जाएगा, एक जगह उसका मन एकाग्र हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को जो है आप एक बार आजमा के ज़रूर देखें। अब रह गई बात कि समस्याएं तो और भी बहुत सारी हैं, तो उन और सारी समस्याओं के बारे में आप चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।